आपको पता है, वन सेकेंड, ये जो हम वीजा अप्लाई करते हैं ये कैसे, मतलब क्या प्रोसेस है ये, मतलब क्या इन एम्बेसी में कैसे, मतलब एक जो ये एजेंट्स बैठे हुए हैं कैसे, क्या होता है ये? बिकॉज जितनी सर मेरी सॉरी इंटरप्ट मैं कर रहा हूँ नहीं भाई, मैं सोच रहा मेरी हूँ इसकी जी आपका जी क्या हाँ सोच जी रहे जी हो आप। बिकॉज इतना थोड़ा हम करते हैं या विद किसी और एजेंट से मिलके जो ऑलरेडी करते हैं कि हम प्रॉपरली एम्बेसी का जो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे फॉर्म है उनको डाउनलोड करके फिल आउट डिपेंड ऑन कौन सी कंट्री है किसी पे वो खुद हमें कंप्यूटराइज बनना पड़ता है किसी पे मैनुअली प्रॉपर प्रिंट आउट करके हैंड पे करना पड़ता है। कनाडा तो प्रॉपर उनका डॉप का ही चलता है ना। एंड देन फॉर फाइल प्रॉपर रेडी करके VFS अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जैसे जलंधर है या फिर दिल्ली है हमें नज़दीक पड़ता है जो या जलंधर भी है उस पे अपने एज ऑन कितना प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी फी डिपेंड अपॉन कौन सा वीजा लेना है हमने। तो आपको नहीं लगता कि ये तो सिंपल काम है, तो क्लाइंट भी कर सकता है अगर जी वो अपना 1 घंटा लगाए बैठ के करे? जी ऐसी क्या चीज बेस्ट होगी जिससे कि मैं ड्रामेटिकली डायरेक्टली टच में जाऊं? अब जैसे वर्क परमिट की हम बात कर रहे हैं अभी, क्लियर, तो कैसे मैं एक वर्क परमिट में अपनी एक स्पेशलाइजेशन लेके आ सकता हूँ जब आप वहां से, वहां के किसी लोकल एडवोकेट के टच में आते हो? यस एंड नो। यस सर इनकी प्रिंसिपल अटॉर्नीज होती है एट अ लॉ, इनकी इमिग्रेशन इमिग्रेशन लॉ फर्म होती है, समझ आ रहा आपको क्या होता है? फिर ये बच्चे 40 40 ईयर्स के प्रैक्टिसिंग इमिग्रेशन अटॉर्नीज हैं आपकी, विच इज फॉर नॉन इमिग्रेंट एंड एन इमिग्रेंट वीजास इन जर्मनी। हम लोग उनको कांटेक्ट करते हैं और होता ही यही है, समझ आ रहा आपको? जैसे सेम एज कनाडा में IRCC अब के कनाडा मेंबर्स में हैं क्या जो है, अब एक बात बताओ, आपकी 20 20 लैक्स में सेल होती है आपकी पीआर के लिए, जो उनके एडवोकेट्स हैं, दे क्लियर आर हुआ? टेकिंग $30 40 1000 इन कनेडियन डॉलर्स और वो ऐसे कितने में होती हैं? 1 लाख 2 लाख से होती हैं स्टार्ट, जी आइडियल कॉस्ट उनकी इतनी भी नहीं है, क्लियर हो रहे हैं? सो यस बच्चे क्या होगा, आपको मैं ड्रामेटिकली एक ना, इनकी ना वेबसाइट्स है वर्क वीजा की, ऐसे ही डील होगा ये, समझ आ रहा आपको? यस रुको, सबसे पहले इनका एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन है विच हेल्प यू टू राइट एंड मेक अ पावर ऑफ अटॉर्नी, बहुत ध्यान से समझना, विच क्रिएट अ ट्रस्ट एंड लीगल डॉक्यूमेंट, कि वो एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं हमारे वीजा ऑफिसर को। नंबर एक, हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द स्मॉल क्लेम्स कोर्ट, हम लोग हेल्प लेते हैं जो स्मॉल छोटी छोटी वहां की जो कोर्ट, जो कोर्ट होती हैं, क्लियर हो रहे हैं? ऑब्वियसली कॉर्ड्स ओके योर लीगल 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 कोर्ट्स जो होती हैं आपकी, ओके कोड ओके कोड सॉरी देन वी हैव अ लीगल सपोर्ट डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, यू नो, इफ वी हैव समथिंग लाइक, यू नो, रेफरल्स, एजुकेशन, एंड वी लुकिंग फॉर समथिंग, यू नो, ओवर व्हाट आई वुड से द लीगल फीस आई वुड से। अब फॉर एग्जाम्पल इसका जो लीगल फीस है, विच इज स्पेशली वेन यू आर चार्ज बाय एन आवर, बहुत ध्यान समझना, जब आप कोई भी वीजा अप्लाई करते हो उसकी लीगल, जब आप एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू जाते हो, जैसे यू हैव टू, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कनाडा में आप कह रहे हो कि दे चार्ज ब्ला 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 $1000, बट आइडियल में इनका जो वीजा फीस है, सॉरी, जो इनका जो, इनका जो आइडियल जो फीस है वो बहुत कम रहता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपर्ट से गाइडेंस लेते हैं, अब हम लोग को तो पता है, लेकिन जो उनके जो जो उनके इनके जो लोकल लॉयर्स होते हैं इनमें, क्लियर? सो
वहां पे क्या करना है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे ना आपको एक पैकेज लेना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल $100 का, $200 का। वहां पे ना आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, देर विल बी अ व्हाट आई वुड से कि द डोर्स विल बी ओपन फॉर लीगल एडवाइजर्स, और आप उन लीगल एडवाइजर को एक चूज करते हो और उसके थ्रू अपना आप सारा ये काम करते हो, विच प्रोटेक्ट योर सेल्फ फॉर रेजिडेंट स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट परमिट, लीगल डॉक्यूमेंट, इमिग्रेशन जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसका, इज इट क्लियर टू यू? तो ऐसी बहुत सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी। हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपको आज में से भी आपने बोला सर मेरे ना मेरे पास वर्क परमिट आया, मैं क्या करूं, मैं बोलो ठीक है उठा लो मान लो 15 लाख, बट मैंने वही कॉन्टेक्ट किया एक लोकल एडवाइजर से, इज चार्जिंग 1.5 लाख, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है वहां पे, वो किसी का भी ऑफ मतलब उसकी जान पहचान है वहां पे, तो अकॉर्डिंग टू द रेज्यूमे ऑफ द कैंडिडेट वो वहां पे उसकी नौकरी अप्लाई करेगा, एंड ही विल गेट बैक टू अस इन द रेंज ऑफ 60 यूरोस टू 50 यूरोस। इज इट क्लियर टू यू? यस सर, क्लियर हो रहा है आपको? सो रुको एक सेकेंड, इसकी एक वेबसाइट में आपको भेज रहा हूँ, इसका आर्टिकल आपको पढ़ना है पहले पूरा, क्लियर? सबसे पहले आपको कुछ चीजें पढ़नी, ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन टू लॉट ऑफ थिंग्स। रुको आप एक सेकेंड, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो फ्रीलैंसिंग है वो कैसे मतलब हाउ इट वर्क्स बेसिकली। वहां पे ना बच्चे एक एक लिबरल प्रोफेशंस है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, लिबरल प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं फ्राई बेरूफ। बेरूफ क्या होता है आपका? प्रोफेशनल्स। बेरूफ का मतलब ही एक जर्मन में एक वर्ड है बेरूफ, विच वी कॉल एज प्रोफेशनल, समझ आ रहा है आपको? वहां पे क्या होता है आपका ना कॉमर्शियल प्रोफेशन है, आपको मैं पूरा इसका आर्टिकल भेजता हूँ वो कैसे आपका होता है। रुको इसको आप पढ़ो, आई सेंड द व्हाट्सएप, रीड ऑन प्लीज। कह रहे कि बिफोर इवन थिंकिंग अ टू परफॉर्म, वहां पे हम लोग फ्रीलैंसिंग में स्टूडेंट्स को भेजते हैं, फ्रीलैंसिंग में अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड द लीगल एनवायरनमेंट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हियर बिकॉज द प्रोफेशन यू हैव चूज इन टू परस्यू डिफाइन योर एलिजिबिलिटी एंड बिकम अ फ्रीलैंसिंग हियर। नंबर एक, इन द प्रोफेशन इफ यू आर थिंकिंग टू एक्सरसाइज हियर इन द एक्नॉलेज एज अ लिबरल प्रोफेशन को बोलते हैं फ्राई बेरू, फ्राई मतलब फ्री बेसिकली, लिबरल। यू विल बी एबल टू बी अ फ्री लेंसर एज एन फ्राई बेरूफ, अदरवाइज द जॉब इज लिस्टेड एज अ कॉमर्शियल प्रोफेशन, यू विल ओनली बी एबल टू बी अ बिजनेस पर्सन। गवैब, गवैब क्या होता है आपका? बेसिकली बिजनेस प्रोफेशन, क्लियर? लेकिन अब लिबरल प्रोफेशन आप बोलोगे सर किस कौन कौन से हैं, विच आर लिबरल प्रोफेशन इन जर्मनी? सो बेसिकली बच्चे जो वहां का जो इनकम टैक्स एक्ट है वो ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज पहले बहुत ज्यादा आपको डीप में लेके जा रहा हूँ आपको, मैं जो वहां का जो इनकम टैक्स एक्ट है मैं सारा आपको लिखूंगा ये चीजें, विच दे हैव अ पब्लिक लिस्टिंग ऑफ लिबरल एंड कॉमर्शियल प्रोफेशन। जैसे आप इनकम टैक्स भरते हो इंडिया इन में, कनाडा अभी मैंने भरा, इंडिया में जी भरा इंडिया में जैसे मतलब दो। इनकम टैक्स होता है तो वहां पे दो कैटेगरीज का इनकम टैक्स होता है, वन वी कॉल्ड एस, क्योंकि हम लोग ना उसकी ड्रामेटिकली लीगल अथॉरिटी से कॉन्फर्मेशन लेते हैं, समझ रहे हो आप? तो वहां का जो इनकम टैक्स होता है वो दो टैक्स होते हैं, एक होता है लिबरल जो फ्रीलांसर काम कर रहा है उसके लिए अलग से टैक्स होगा, एक ऐसे जो प्रोफेशनल फुल टाइम काम कर रहा है कॉमर्शियल उसका एक अलग से टैक्स होगा, बट द सेम है जैसे जजमेंट हमारा, लाइक डिपेंड अपॉन डिफरेंट है, कोई बिजनेसमैन की अलग स्लैब्स हैं से यस एम्प्लॉय के अलग। यस
बट यहाँ पे एक ही स्लैब है आपका, मतलब एक ही वेबसाइट है, वहां पे लिबरल के लिए अलग वेबसाइट है और प्रोफेशनल के लिए अलग। हम वहां पे पहले वो टैक्स पे जाके उसका एक टैक्स का आईडी बनाते हैं, समझ आ रहा है आपको? यस ये सारा वहां का लीगल एडवाइजर करता है, द अल्टीमेट जजमेंट और वेदर द प्रोफेशन क्वालिफाइज एज ए लिबरल और कमर्शियल प्रोफेशन लाइज इन द हैंड ऑफ द लोकल टैक्स ऑफिस। क्लियर हो रहा है? जो वहां का जो जिससे हम कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर वहां पे वो उसका एक आईडी क्रिएट करते हैं, समझो इस बात को। वो सबसे पहले बेसिकली उसका हेल्थ केयर, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ के टैक्सेस, वहाँ का लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स, अगर किसने B1 किया हुआ है तो इट 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 हेल्प अस। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा आपको थोड़ा थोड़ा? यस सर, थोड़ा लाइक बेसिक एक बार प्रॉपरली मुझे आ रहा है लाइक समझ। तो जैसे एक बार वो आर्टिकल्स एंड सारे मैं एक बार स्टडी फिर से एक बार करूंगा वो लिंक्स मैं आपको को। सारा बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको चीजें जी बता रहा हूँ कि ये चीजें सॉर्ट कैसे होती हैं, समझ आ रहा आपको? जैसे इसमें यस ऐसा सभी का प्रॉपर प्रोसेसिंग टाइम क्या है? बच्चे इसका प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है, 1 मंथ 2 मंथ हम लेके चलते हैं इसमें। क्लियर? दैट्स प्रॉपर निग्लिजेबल है प्रॉपर, इतना तो ठीक लाइक कोई भी एम्बेसी लेती है। अच्छा, इंडिया और जर्मनी का, हर कंट्री का आपस में ना कोलैबोरेशन है, पता आपको? यस सर, लाइक थोड़ा बेसिक इनके फॉरेन रिलेशंस। हाँ, इन्होंने मिल के अपनी वीजास की वेबसाइट को क्रिएट, एक तो होता है ड्रामेटिकली एक जर्मन की वेबसाइट, जर्मनी की वेबसाइट। क्लियर हो रहा है आपको? बेसिकली क्या होता है बच्चे, एम्बेसी के अपने काउंसलेट्स होते हैं जिनका कोलैबोरेशन है, इंडियन एंड जर्मनी मिनिस्ट्री का आपस में कोलैबोरेशन है। क्लियर हो रहा है आपको? मैं आपको बताऊंगा अभी Step 1, चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक फोटो कैसे है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे है, स्केड्यूल अपॉइंटमेंट कैसे करनी है। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले आप क्या करते हो, Step 1, आपको चेकलिस्ट देनी है अपनी। ये देखो आप, मैं आपको एक चेकलिस्ट भेज रहा हूँ, मतलब किस कैटेगरी में हम लोग काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप काम करते हो Checklist 4 स्किल्ड वर्कर, बहुत ध्यान समझना, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, एम्प्लॉयमेंट वीजा। क्लियर? सबसे पहले हम काम करते हैं स्पाउस वीजा, बहुत सारी चीजें आपकी चेकलिस्ट, और डिपेंडेंट वीजा। वीजा एक वास्ट है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको स्किल्ड वर्कर पे अगर आपको चाहिए तो ये मैं आपको, इसको पढ़ो एक बार आप। वीजा ना एक्चुअली बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत एडवांस है वीजा, टू बी ऑनेस्ट कुणाल, बहुत एडवांस है। इस रीजन से मैं आपको कुछ चीजें आपको दे रहा हूँ, इसको पढ़ो एक बार आप, जो मैंने जूम पे डाला आपको। रीड ऑन प्लीज। यस सर, आई एम जस्ट रीडिंग। सर बेसिकली ऑन स्किल्ड वर्कर्स विद एकेडमिक डिग्री, राइट? हाँ, अभी बता रहा हूँ एंड आपको सारा, जैसे मैं आपको बात कर रहा था नर्सिस की। क्लियर? इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अटेंशन प्लीज, इफ यू हैव अ रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज वेल एज ईयरली सैलरी एक्सीडिंग। देखो क्या होता है, हम ये चेक करते हैं अपने कंट्री में, ब्लू कार्ड होता है इसका, एक ब्लू कार्ड बनता है आपका। क्लियर? फॉर इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स, वही डॉक्टर, जो मैं बात करूं नर्सिस की। क्लियर? क्या होता है बेसिकली, बिफोर फाइंडिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड बुकिंग एन अपॉइंटमेंट, प्लीज प्रिपेयर हु आइडेंटिकल सेट्स ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर वीजा एंड ब्रिंग योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। हम लोग को ऑब्वियसली वी हैव टू शो द ओरिजिनल सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस। क्लियर? बट हमें क्या क्या चाहिए उस चीज में,
ये कोई डेक्लरेशन है, वैलिड पासपोर्ट ऑब्वियसली इशूड विद इन 10 ईयर्स, विद इन द लास्ट 10 ईयर्स एंड वैलिड फॉर एटलीस्ट अनदर ईयर तक वैलिड हो हमारा, क्लियर। पासपोर्ट विद ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इन द फ्रंट पेज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, वो क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए। विद एटलीस्ट 2 एम्प्टी पेजेस हमारे उसमें होने चाहिए, ठीक है। नाउ डेक्लरेशन फॉर एडिशनल कॉन्टेक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन, इट मीन्स हमें उसका एक डेक्लरेशन लगाना है, वो ध्यान समझना, विच हैज टू बी लीगल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन, जहां पे आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपका, इज इट क्लियर टू यू, हमें वो यस साथ सर, में लगाना है, विच इंक्लूड द पासपोर्ट पिक्चर्स। कितना बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन होगा, हम जब वीजा फॉर्म भरते हैं तो ही विल गो फॉर अ बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन विच इज नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स, नंबर 1, क्लियर। एक ना वहां पे एनेक्सचर होता है, एनेक्सचर फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा फॉर 2 कॉपीज, एनेक्सचर फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा ऑफ 2 कॉपीज, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी इन जर्मनी। हम लोग क्या करते हैं, जो लीगल एडवोकेट्स होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके जो वहां के जो लीगल एडवोकेट्स, जो आप कॉन्टेक्ट कहाँ से लेने हैं, वो ध्यान समझना, लीगल एडवोकेट को वहां से कैसे कॉन्टेक्ट करना है आपको, क्लियर। आपको कॉन्टेक्ट दिए जाएंगे जिसके थ्रू हम लोग उन एडवोकेट एडवोकेट्स को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट करके वहां से हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मंगवाते हैं, समझ आ रहा है आपको। आपका सीवी एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स फॉर अ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन आपके जो जो भी आपका यहाँ पे, अगर नर्सिस के लिए जा रहे हो तो किसी भी, अगर आप आईटी के लिए जा रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशंस, डेक्लरेशन रिगार्डिंग, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ जो लाइक समटाइम्स होता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉर्मल होते हैं, एक विद वो कहते हैं कि हमें एज बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए या कुछ सैलरी सब कुछ सैलरी चाहिए है। होगा, यस यस क्लियर। सैलरी प्रूफ चाहिए, डेक्लरेशन रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एयरक्लेरुंग, एयरक्लेरन एक मेरा वोकैब है टू एक्सप्लेन समथिंग, हमें पूरा एक्सप्लेन चाहिए। बेशाफ्टिगुंग, बेशाफ्ट बेशाफ्टिगुंग बेसिकली आपकी जो स्किल्स होती हैं आपकी, इज इट क्लियर टू यू, आपकी यस जो सर, ऑक्यूपेशन होता है आपको, उसको उसको बोलते हैं बेशाफ्टिगुंग, बेशाफ्टिगुंग। ये क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेनिंग ऑफ योर ऑक्यूपेशन, पूरा जो आपका ऑक्यूपेशन उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, विच हैज टू बी फाइल्ड। मतलब ये आप अगर आप किसी का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज आपको करनी है, कि जैसे जर्मनी से जो आप इंडिया में आपकी पूरी आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन क्लियर हो रहे हैं, विच हैज टू बी फिल्ड फाइल्ड एंड ड्यूली साइंड बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा एक ना वहां पे हम लोग ऑफर लेटर मंगवाते हैं, ऑफर लेटर जो मंगवाएंगे ये क्या कह रहा है, उसका डिक्लेरेशन कह रहे हैं कि आपका जो जो हम ऑफर लेटर मंगवाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट करके, जो वहाँ के लीगल जो एडवोकेट्स होते हैं जो उसको डील करते हैं, क्लियर, हम पहले ना उनको अपना रेज्यूमे भेजते हैं अपने क्लाइंट्स का, समझ आ रहा है आपको। यस सर, वो स्किल सेट देखता है कि उसका क्या स्किल सेट है, उसके यहाँ पे वो अप्लाई करता है वहां पे लोकल अथॉरिटीज को। जैसे हम बोलोगे कि क्या ना कुणाल, आप जैसे वहां पे एक लीगल एडवाइजर हो तो आपको मैं अपने रिज्यूमे भेजूंगा तो आप वहां पे अप्लाई करोगे, जो आपके नॉन में होंगे से पूछोगे, क्लियर। जो आपका जो ऑफर लेटर फिर जो बनाएगा, वो जो ऑफर लेटर बन के आएगा उसको प्रॉपर सील एंड सिग्नेचर होने चाहिए फॉर अ फ्यूचर एम्प्लॉयर, विद ओरिजिनल अलोंग 2 कॉपीज नीड टू बी सबमिटेड इन द वीजा ऑफिस एम्बेसी, प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन जर्मनी। तो हमें मतलब हम पूरा प्रूफ चाहिए कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जैसे अगर हम यहाँ पे आपको अगर नहीं है कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन जर्मनी में, तो यू गो विद योर A1 A2 B1 प्रोग्राम, उसकी जो कोच की सर्टिफिकेशन होती हैं दैट यू विल अटैच, इज इट क्लियर टू यू, आप सर ये सेम प्रोवाइड करते हो क्या कह रहे हो। जो A1 A2 के लाइक कोचिंग के सर्टिफिकेट्स हैं कि इसने नहीं पर्टिकुलर उसपे ट्रेनिंग उसपे हमें गोएथ का सर्टिफिकेशन चाहिए, गोएथ का, कोचिंग का तो की? ओके ठीक, गोएटा लाइक आप ओके ओके सॉरी डायरेक्टली डायरेक्टली एम्बेसी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं।
इज इट क्लियर टू यू? यस सर। और वन सेकेंड, उसके बाद वहां पे आपका सीवी और अगर प्रॉपर एक जॉब डिस्क्रिप्शन हमें एम्बेसी को सबमिट करना है विद वन पेज ओनली, सीवी एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, ये नहीं कि आप 2-3 पेजेस का डालोगे, नहीं, इट शुड बी विद वन पेज ओनली। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर टू यू? यस सर, इन ए वर्ड फॉर्मेट लाइक नॉर्मल हाँ, जो उसके हम बाद ना लोग। इनकी एक वेबसाइट है विच इज फॉर अकेडमिक डिग्रीज, समझ आ रहा है आपको? मैं आपको उसका उसका सेंटर ऑफिस का मैं बताता हूँ कहाँ पे सबमिट होता है वो। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे सबमिट होगा। ZAB, Z का मतलब क्या है? सेंट्रल, मतलब सेंट्रल फॉर ऑस्लेंडिश बिल्डुंग। क्या होता है आपकी एजुकेशन बिल्डुंग, एजुकेशन वेसन इज टू बिल्डुंग। क्या होता है आपका एजुकेशन, एजुकेशन मतलब उनका ना प्रॉपर आपको ओरिजिनल 2 कॉपीज। ओके, आपको इस पे सेंट्रल फो आप इसको करोगे, गूगल करोगे, सो इट विल बी ओपन। तो हमें वहां पे इसकी ओरिजिनल कॉपीज को सबमिट करना होता है, विच इज वी कॉल्ड एज फॉरन एजुकेशन, ZAB बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ZAP, ZAB ZAB, सेंट्रल फॉर द अदर कंट्री ऑफ द एजुकेशन, जो हम सबमिट करते हैं इस पे ZAB में। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। एक हम सबमिट करते हैं, चीजें आपको बता रहा हूँ, फॉर इंजीनियर्स एंड टीचर हम सबमिट करते हैं। एक वेबसाइट हमारा, वहाँ का लोकल वेबसाइट है, विच इज वहाँ का लोकल, जो हमारा जो जर्मन लेबर ऑफिस होता है आपका, जर्मन लेबर ऑफिस मतलब क्या होता है? इंजीनियर्स जा रहा है, टीचर जा रहा है, जैसे मान लो वहाँ पे मैथमेटिक्स की, अब उसने बोला आपको एडवोकेट ने वहाँ के लोकल, यार कोई मैथमेटिशियन है, उसकी बहुत डिमांड है, तो हम लोग क्या करते हैं एक हर जर्मन, ईयर चेंज होती है डिमांड ना। हाँ कह सकते हैं हम इसको, क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, जो वहां का जो लेबर ऑफिस है उसके थ्रू कॉन्टेक्ट करके हम उस लेबर ऑफिस में उसके सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन हम लोग अपलोड करवाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सा है वो, उसका क्या नाम है उसका, जर्मनी में उस लेबर ऑफिस का। दिस इज, आपको ना ये नोट करने हैं आपको ये चीजें, ये फॉर आर्बाइट, फॉर द वर्क, क्लियर? उसके बाद आपका क्या होगा, आप ना प्री अप्रूवल लेते हो, प्री अप्रूवल, मैं सारा लिख देता हूँ आपको ना इसका प्रोसेस। इस आर्टिकल को ना एक बार आप सारा पढ़ना, मैं आपको व्हाट्सएप डाल रहा हूँ, मैं वैसे मोटा मोटा आपको बताता हूँ अभी कैसे होगा ये, एवरीथिंग वुड बी व्हाट्सएप टू यू कि कैसे करना है ये। प्री अप्रूवल होता है, फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है वहां की, समझ आ रहा है आपको? वहां की यस फेडरल अप्रूवल एजेंसीज होती हैं, और एप्लीकेंट जो है वो 45 साल से ज्यादा का, नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ द एप्लीकेंट हु आर 45 ईयर ओल्ड और मोर एंड द सैलरी इज बिलो देन 46,530 ईयरली, आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, इन यूरो, द डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ एडुकेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ जनरल पेंशन। मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान समझना, जो वहां का जो लीगल एडवोकेट होगा ना, ये तो चलो एज है 45 वाले, तो वैसे कोई एज का आता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका सैलरी कम होता है, तो वो हर एक डॉक्यूमेंट वो आपके लिए अप्लाई करेगा जहाँ पे यू विल गेट समथिंग इन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द जर्मनी, जर्मन गवर्नमेंट, क्लियर? ओके, इज इट क्लियर टू यू? ये आपको ना यस मैं एक, रुको एक सेकेंड, एक PDF भेज रहा हूँ आपको मैं, रुको होल्ड करो, एक चेकलिस्ट मैं भेज रहा हूँ, इसको आप पढ़ना, मैं आपको इस चेकलिस्ट को शो भी करता हूँ आपको मैं, रुको होल्ड करो। सर। रुको एक सेकेंड।
ये दिख रहा है आपको चेकलिस्ट यस सर। फॉर जर्मन नेशनल वीजा एम्प्लॉयमेंट एंड, ये आपकी चेकलिस्ट है। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पे सारे आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, डेक्लरेशन है, ये कंप्लीट आई विल सेंड इट टू यू। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अभी आपको क्या करना है, क्योंकि अभी यू जस्ट स्टार्टेड, क्लियर? मैं आपको कुछ चीजों से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि आप इसको एक बार अपनी स्टडी करो। इसकी मैंने आपको भेजा, ये इसका पूरा आपको आई सेंड इट टू यू। इसके थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू हम लोग अपने, ये पोर्टल है हमारा विच इज जर्मन मिशंस इन इंडिया, समझ आ रहा है? इस पोर्टल के थ्रू हम लोग अपनी सबमिशन करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं, डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं, अनेक्स्ट है इसमें, क्लियर? एक क्लेरुंग मतलब दिस इज समथिंग लाइक द डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ओके? यस और सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका। इसके लिए एक वेबसाइट है, आपको वेबसाइट आपको बताता हूँ। ये सारी ना वहां की लोकल वेबसाइट्स हैं। इस वेबसाइट को विजिट करना है आपको। इस वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग काम करते हैं, दिख रहा है वेबसाइट? मैं ये वेबसाइट आपको व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ। खैर, इसका सर वेबसाइट का एक्सपायरी तो नहीं है ना, आज नहीं कोई जो हमने एक्सपायरी पहले। नहीं, नहीं। इसको आप गो थ्रू करना इस वेबसाइट को। द पीपल, देखो जो आप, देखो जो स्टडी वीजा अप्लाई करता है, जो वर्क परमिट अप्लाई करता है, उसके पास वहां के लोकल कॉन्टेक्ट होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली लोकल कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ आपको। मैं इसका मोबाइल नंबर भी आपको डाल रहा हूँ, जर्मनी का इसका ड्रामेटिकली मोबाइल नंबर है। एंड द पीपल विल हेल्प दीज मतलब देखो, यू गॉट इट, मोबाइल नंबर कि कहाँ से आपको ड्रामेटिकली लोकल जर्मनी से अपने वर्क परमिट का, यू नो, देखो वर्क परमिट अप्लाई करना है, आप क्या करते हो नॉर्मली? मैंने एजेंट्स को भी देखे हैं, वो एजेंट टू एजेंट टाइप करते हैं, समझ आ रहे हैं? और वो कहते हैं कि ठीक है, इतने इतने अमाउंट आप दे दो। क्या अगर मैं लोकल जर्मनी को ही कॉन्टेक्ट करूं अपने इस वर्क परमिट के लिए? क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर? समझ आ रहा है आपको? यस सर। आप, इसने लिखा हुआ है जी बिनोक्चिगन श्नेल हिल्फ। बिनोक्चिगन क्या आपका बेसिकली आपकी नीड, रिक्वायर्ड, यू रिक्वायर्ड अ क्विक हेल्प कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। इसका मतलब यह है, बिनोक्चिगन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज नीड श्नेल। श्नेल क्या आपका फास्ट, रैपिड। श्नेल क्या आपका फास्ट। हिल्फन एक मेरी वर्ब है हेल्प की। क्लियर हो रहा है आपको? सो कह रहा है कि इफ यू कॉन्टेक्ट अस, इफ यू कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट अस फास्ट, इफ यू नीड इट कॉन्टेक्ट फास्ट। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। दिख रहा है आपको ये, एक भेजो व्हाट्सएप, सेंड इन व्हाट्सएप। यस, क्लियर? तो अभी आपको क्या करना है कुणाल, क्योंकि फर्स्ट डे है, थोड़ा मैं चीजों को आपको एक ओवरव्यू दिया अभी आपको मैंने, क्लियर? कनाडा यस की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपका, यू नो, पीआर का प्रोसेस होता है जो आप लोग करते हो, पीआर में दे पीपल आर चार्जिंग, कुछ भी नहीं करना था पीआर में, ठीक है? पीआर का जो मेजर एक्सपेंस होता है वो आता है 70 से 80 हजार का कनाडा पीआर के लिए, बट एजेंट चार्ज कर रहा है 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए, क्लियर? इसमें डॉक्यूमेंट सारे बेसिकली कनाडा इन कैनेडियन डॉलर में के। 1,000 डॉलर वो चार्ज है, इंक्लूडिंग फी, बिकॉज 630 इनकी फी है एंड ऑल दैट थिंग्स। जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि हम पीआर रिन्यूअल करते हैं, सो उसकी 630 होती है फी, जो पेमेंट सीएसी की वेबसाइट पे जाती है। क्लियर? लेकिन डॉक्यूमेंट यस सारे सर। कैंडिडेट ने अरेंज करने हैं,
उसका 777-8 ब्ला ब्ला क्लियर, उसका टेफ, उसकी अटेस्टेशन, सब कुछ। लेकिन एज एन क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं, हम उसको डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, तो वी आर चार्जिंग फॉर दिस। क्लियर। जो LMIs बिकती हैं आपकी कनाडा में, वो कैसे बिकती हैं? मतलब LMIs आप भी ले सकते हो, क्लियर, लेकिन उस अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कुछ सारा बताऊंगा ये कैसे प्रोसेस है, क्योंकि ना ये बहुत वाइडर प्रोसेस चलता है ये। तो अभी जो मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने पास करी है, उसको एक बार जो आपको मैंने कॉन्टेक्ट दिए हैं, बेसिकली जो मैंने वेबसाइट्स आपको दी हैं उनके, उनको एक बार आप, क्योंकि इन कॉन्टेक्ट्स का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। मान लो आपको जर्मनी का वर्क वीजा अप्लाई करना है, एंड यू आपका कोई वहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे? यू कैन नॉट सर्वाइव, कर नहीं पाएंगे ना। हमें लोकल कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे हम एयरलाइंस करते हैं, हमारे पास आईटा का है, आईटा का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आईटा के साथ, क्लियर। अगर मेरे पास आईटा जब कुछ भी नहीं कर सकता, इसे वहाँ का लोकल एजेंट्स, जो लोकल जो लोग डील कर रहे हैं स्टेट में, एडवोकेट्स, ये उनके कॉन्टेक्ट होने जरूरी है हमारे पास। जो आप उनको इंग्लिश आती होती है, आप चैट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, एंड यू कैन डू द नीडफुल फॉर देम, विद देम, यस क्लियर। सर, तो मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स आपसे शेयर करता हूँ आज के सेशंस की। यस सर प्लीज, क्योंकि मैंने है बट इन लाइक सम ऑफ द कोर्सेस के एंड नेम एंड क्योंकि ऑल थोड़ा दैट सा ये थिंग्स लाइक सेशन ऐसे ही जाता है, यस, थोड़ा सा, तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है? उसके बाद कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? एंड सर लाइक स्टूडेंट वीजा के भी ऐसे सप्लायर्स हैं डायरेक्ट यहाँ पे। हाँ, स्टूडेंट वीजा के भी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से हम लोग ऑफर लेटर मंगवाते हैं। सेम एज उनके कमीशन एंड वी कैन नेगोशिएट हाँ, इफ हमारे पास जो उनके मार्केट है। अपने सेल्स रैप होते हैं, हर कंट्री में अपने सेल्स रैप होते हैं, दे कम, दे मीट यू एंड दे डिस्कस। बिकॉज क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ मार्केट है, सो मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं प्रॉपर एक्सपेंड करूँ उस मार्केट को ना। ऑलरेडी क्योंकि कोई बात नहीं, मैं आपको आई हैव माई जी। एंड एक सर जस्ट आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू आईटा टू इफ आई कैन आस्क ऑन दिस। हाँ, एंड जैसे सर आप बीएसपी का मुझे बता रहे थे कि बीएसपी पे भी हमें एयरलाइंस की इंफॉर्मेशन बीएसपी पे मिल जाती इनवॉइसिंग आएगी, जी सर। बीएसपी पे बिलिंग सेटलमेंट प्लान जो है उससे आप अपनी इनवॉइसिंग निकालोगे। सर मैंने वो सच इनवॉइसिंग का मैंने भी पूछना था, मैं इनवॉइसिंग का कुछ देख रहा था, समटाइम्स वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था मुझे क्योंकि सम ऑफ बीएसपी द ना डेज अलग मैंने। से, मैं आपको आपसे बात करूंगा, बीएसपी के ना अलग से एक कोर्स है बीएसपी का जो हम करवा रहे हैं, बीएसपी का आईटा का एक अलग से एजेंट के लिए कोर्स बना हुआ है, ठीक है? उसमें ड्रामेटिकली आईटा का ही पर्सन है मेरे साथ, जो जो आपको, मतलब ऑब्वियस बात है मैं तो आपको बोलूंगा ही, लेकिन बीएसपी का ना एक अलग से एक सेशन है, पूरा बहुत वास्ट सेशन है बीएसपी का। तो वो अगर आप रैंडमली जाओगे तो नहीं पता लगेगा आपको, जब तक आपको उसके पास आपको उसके लिंक्स ना हो, लिंक्स होते हैं, लिंक्स मतलब आपके ये जो जो ये वेबसाइट लिंक्स, समझ आ रहा है आपको? वो आईटा हाँ, लाइक नॉर्मल आईटा कस्टमर पोर्टल पे नहीं हमें मिलते हैं ना। वो नहीं, उसके बाद वो उसकी ब्रीफिंग होती है प्रॉपर कि उसको करना कैसे है, तो उसने पूरी ट्रेनिंग चलती है 15-20 दिन की बीएसपी की। ओके एंड उसका सर आपका लाइक अलग टाइम है वो। हाँ, वो बच्चे मैं अलग टाइमिंग में आपसे डिस्कस करूंगा सारी चीजें ना आपके साथ ही, ठीक है? आज सर कर सकते हैं इफ यू हैव हाँ, टाइम मैं आज। आज कर लूंगा, एक ना बस 10 o'clock का मेरा एक सेशन है, कुछ स्टूडेंट हैं उसमें, ठीक है? तो उसमें एक्चुअली वो बाहर से हैं, तो उनका एग्जाम है फ्रेंच का, ठीक है? ओके तो अगर आपको भी आना है उस, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा हायर पैटर्न पे है। तो अभी ये काम करते हैं, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग अभी आपसे मैं शेयर करता हूँ, फिर मैं अभी श्योर फ्री सर, ना अराउंड 3-4 आवर्स में आपसे बात करता हूँ। अभी आप अवेक हो, जगे हो अभी आप? 3-4 hours एक्चुअली सर, मॉर्निंग मैंने जाना था लाइक मॉर्निंग अर्ली अच्छा, चलो ऑफिस मेरे तो। को आप, यू गिव मी 1 आवर, मैं आपसे 1 आवर में बात करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, ओके सॉरी, ओके ओके सर।